आबकारी या उत्पाद में सिपाही बनने के चक्कर में जान गंवा देने वाले नौजवानों के मामले पर झारखंड में सियासत भी गरमाई हुई है। एक के बाद एक नेता किसी न किसी नौजवान के परिवार वालों से मिलने जा रहे हैं। राज्य के नेताओं का तो उनके घरों में जाना रिवायत जैसा ही लगता है। राजनेता अक्सर क्षेत्र में या आसपास के लोगों के यहाँ ऐसे मौके पर मातम पुरसी करने जाते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों से आकर नेताओं का जाना परंपराओं से अलग हटकर लगता है। इससे सियासत की गंध आती है। ताज़ा दौरा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा का है। कोई मुख्यमंत्री ऐसी स्थिति में जाकर सिर्फ मातम पुरसी करे तो ये अटपटा सा लगता है। सीएम का परिवार वालों से सिर्फ मिलने जाना राजनीतिक दौरे से कम नहीं लगता। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चे की गठबंधन सरकार है। भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष में है। विपक्षी नेता लगातार इस मामले पर सरकार को घेरे हुए थे। घेरना भी चाहिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या सरकार की ओर से भर्ती प्रक्रिया में क्या लापरवाही बरती गई है। हालांकि इस घटना के बाद से झारखंड सरकार ने सिर्फ 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। ये रकम पूरी तरह नाकाफी है। सरकारी भर्ती प्रक्रिया के दौरान 12 युवकों की मौत पर सरकार को कुछ ऐसा मुआवजा देना चाहिए था जो भुक्तभोगी के परिवारों के जख्मों पर मरहम लगा सके। महज मातम कुर्सी के लिए काम नहीं चलने वाला। इनमें से ज्यादा गरीब आदिवासी परिवार से थे। अगर ये सिपाही बन जाते तो अपने परिवार का सहारा बनते। कई परिवारों ने उन युवाओं की अर्थियां अपने कंधे पर उठाई होंगी जिन्हें अपने परिवार का बोझ उठाना था। ये भी विचित्र है कि झारखंड में इस विभाग में सिपाही बनने के लिए घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ कराई जाती है, जबकि पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 6 मिनट में 1 किलोमीटर 600 मीटर की दूरी तक दौड़ना होता है। झारखंड में 2016 से पहले तक 5 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ कराई जाती रही। ये मौसम बहुत उमस वाला है, ऐसे में दौड़ वगैरह की प्रतियोगिता सुबह के अपेक्षाकृत ठंडे मौसम में करा लेनी चाहिए। नौजवानों की मौत के बाद सरीन सरकार को इसकी सुध आई और उनसे 9 बजे के पहले दौड़ पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा दौड़ के केंद्रों पर जरूरी मेडिकल एड भी रखने के निर्देश दिए गए, लेकिन ये सब 13 युवाओं की जान जाने के बाद किया गया। इन्हें मुद्दा बनाने के बजाय अगर किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री झारखंड आकर वास्तव में पीड़ित परिवारों से सहानुभूति जताते हैं तो वो अपने राज्य से इन मृत छात्रों के परिवार वालों के लिए कोई कल्याणकारी योजना दे सकते हैं। आखिर मुख्यमंत्री हैं, अनुग्रह के आधार पर नौकरी देना भी उनकी अख्तियार में है। अगर वो इस तरह से कोई राहत पीड़ितों के परिवार वालों को नहीं दे सकते तो सिर्फ मातम पुरसी को राजनीति का हिस्सा माना जाएगा। ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसमें राजनीति की जाए। निश्चित तौर से केंद्र सरकार से भी परिवारों को मदद की अपेक्षा रही होगी, लेकिन केंद्र की ओर से भी कोई मदद या पहल अभी तक नहीं की गई है। अलबत्ता पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए नेताओं का रेला लगा रहा है। अब तक झामुमो प्रतिनिधिमंडल के अलावा बाबूलाल मरांडी और बिहार झारखंड के तमाम नेता पीड़ित परिवार से मिल चुके हैं।